Good morning students, welcome to marketing class. In the previous class we were discussing about channels of distribution. Channels of distributions are firms, individuals who assist in the process of transportation, of shifting of goods from factory to the consumers. Okay, that I might have told you. उसी को आगे समझते हैं कि ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मेन दो आए थे हमारे, एक होलसेलर और एक रिटेलर, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या करते हैं वो प्रोड्यूसर के लिए, क्या करते हैं वो कस्टमर के लिए, क्या करते हैं वो अपने लिए. तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स. होलसेलर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रेडर, एक ऐसी फर्म जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लेती है कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और उसको एज एन वेन रिक्वायर्ड रिटेलर्स को बेचती है. ये पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करते होलसेलर्स, ये जैसे बल्क में खरीदते हैं वैसे ही छोटी छोटी या बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में अपने रिटेलर्स को बेच देते हैं. ओके, तो इनके फंक्शन जैसे कर रहे हैं, सबसे पहला फंक्शन है बाइंग एंड सेलिंग. तो इनका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, दे आर बायर्स एंड सेलर्स, इट मीन्स सिंपली दे आर ट्रेडर्स. होलसेलर्स जो ना वो ज़्यादा विज्ञापन वगैरह नहीं करते, वो एक रिमोट लोकेशन में बैठ सकते हैं. हालांकि ज़्यादातर होलसेल मार्केट्स इकट्ठे, शॉप्स इकट्ठी बहुत सारी होती हैं. ओके, और एक जैसा प्रोडक्ट बिकता है वहाँ पर. तो होलसेलर क्या करता है, बल्क क्वांटिटी में माल खरीद लेता है कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद फिर उसी तरह से छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिटेलर को बेचता है. ठीक है ना, जैसे जैसे डिमांड आती रहती है. अच्छा, होलसेलर जो ना ये मार्केट पे भी नज़र रखता है, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कितनी सप्लाई चाहिए, इस सब की जानकारी भी ये फर्म को देता रहता है टाइम टू टाइम. द सेकेंड वन इज स्टोरेज. अब देखिए, चूंकि इसने बल्क क्वांटिटी खरीदी है होलसेलर ने, तो इसका गोदाम होना बहुत जरूरी है, इसको वेयर हाउसिंग का फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है. ये बल्क क्वांटिटीज में माल लेकर अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है. ओके, फिर जैसे जैसे इसको जरूरत होती है ये अपनी मेन शॉप पे मंगवाता है या फिर अपने गोदाम से ही अपने रिटेलर को ट्रांसपोर्टेशन कर देता है. ओके, देन इज ट्रांसपोर्टेशन. ज़्यादातर होलसेलर्स की अपनी फ्लीट होती है, इनके पास अपने टेम्पोज, अपने ट्रक्स, अपने छोटे छोटे जो गाड़ियाँ होती हैं जो चलती हैं वो रखते हैं ये. और ये जैसे ही रिटेलर से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं ये पैकिंग करवा के उनके वहाँ पहुँचा देते हैं. और इसके अलावा इनका ये काम भी होता है कि ये मैन्युफैक्चरर से भी सामान मंगवाते हैं, तो इनके ट्रक्स, इनके टेम्पोस जाके मैन्युफैक्चरर्स के फैक्ट्री से भी सामान लाके इनके गोदाम तक पहुंचाते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन का भी मेन काम करते हैं हमारे होलसेलर्स. द नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग. अब चूंकि ट्रेडर है, बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहा है, तो इसके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं और ये दोनों को ही फाइनेंस करता है, मैन्युफैक्चरर को भी जब भी रिक्वायरमेंट है तो, और रिटेलर को भी. क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डिमांड को का आइडिया देता है फर्म को, फर्म के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है तो ये फर्म को फाइनेंस भी कर देता है कि आप इस प्रोडक्ट को बनाओ क्योंकि इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है. और जब रिटेलर लेने आता है तो कई बार क्या होता है, रिटेलर के पास अभी उतना फाइनेंस नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो ये अपनी वॉल्यूम बना के रखने के लिए, अपनी सेल की वॉल्यूम बनाने के लिए ये रिटेलर को भी फाइनेंस करता है, उसको भी क्रेडिट सेल देता है. द नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग. अब देखिए, जो हमारा ट्रेडर है उसका रिस्क तो रहता ही है. अब रिस्क कैसे, क्योंकि इसने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कई बार माल रास्ते में खराब हो जाता है. ओके, इसके अलावा मार्केट में, क्योंकि इसके पास तो बल्क क्वांटिटी आ गई, इसके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड का खेल चलता है, वहाँ प्राइस अलग तय हो जाता है, तो उसके प्राइस के वेरिएशन से भी इसको कई बार लॉस हो जाता है. तो ये रिस्क बियर करता है, इसीलिए क्योंकि इसका रिस्क हाई है इसका प्रॉफिट भी हाई होता है. देन प्रमोशन. अब जो भी फर्म के प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी को लॉन्च करने का काम, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम भी हमारा होलसेलर का होता है. क्योंकि होलसेलर जो है ना वो कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कंपनी का समझ लीजिए एजेंट है जो बैठा हुआ है और आगे रिटेलर को बेच रहा है. तो कंपनी का फेस होने के जरिए, फेस होने के नाते ये कंपनी की प्रमोशन स्कीम्स को भी आगे बढ़ाता है. तो ये सारे फंक्शंस हमारे हो गए होलसेलर के. होप आपको बात समझ में आ रही होगी. अब इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलर. रिटेलर के फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले है स्पोक्स पर्सन ऑफ द कस्टमर. देखिए, जो रिटेलर है ना वो डायरेक्टली डील करता है पब्लिक से, अपने कस्टमर से.
सो कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या प्रेफरेंसेस है, उसके क्या टेस्ट है। कस्टमर अपनी सारी रिक्वायरमेंट रिटेलर को बताता है, अपनी कोई कंप्लेंट है तो रिटेलर को बताता है, और रिटेलर होलसेलर को या फर्म को डायरेक्टली बता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कस्टमर का स्पोक पर्सन है। कौन? रिटेलर। रिटेलर कस्टमर की सारी ग्रीवेंसेस, उनकी प्रेफरेंसेस कंपनी तक पहुंचाता है। ओके, देन कस्टमर एजुकेशन। अब चूंकि कस्टमर से डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारा रिटेलर, तो कस्टमर को एज एन वेन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एजुकेशन चाहिए, किसी प्रोडक्ट के चलाने का तरीका, किसी प्रोडक्ट को की असेंबलिंग का तरीका, उसकी वारंटी के बारे में, उसकी स्कीम्स के बारे में, सारी एजुकेशन जो है वो रिटेलर को देनी पड़ती है, क्योंकि रिटेलर जो है वो एक एक कस्टमर को डील करता है, होलसेलर ये काम नहीं करता। ओके, और ना ही कंपनी ये काम कर पाती है। तो सारी की सारी जो एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन है, वो रिटेलर के जरिए होती है। द नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ गुड्स। अब जो हमारा रिटेलर है, ये माल खरीदता तो अच्छी खासी क्वांटिटी में है, हालांकि उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती जितनी होलसेलर की होती है, अच्छी बड़ी क्वांटिटी में लेकर बाइंग करके छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने कस्टमर को बेचता है। तो कस्टमर को तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लेगा, लेकिन इसको अपने पास कुछ ना कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि वो टाइम टू टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच सके। ट्रांसपोर्टेशन का काम रिटेलर भी करता है, क्योंकि इसको होलसेलर से सामान उठाना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। कई बार फ्री होम डिलीवरी देता है ये, और लेकिन प्रोडक्ट को उठाने तो पड़ता है, हालांकि इसका अपना कोई फ्लीट नहीं होता, ये अपनी कुछ गाड़ियां रखता है, लेकिन फिर भी इसको ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को करना पड़ता है, क्योंकि सामान वहां से मंगवाना है तो कई बार इसको अपनी गाड़ी भेजनी पड़ती है, हायर करनी पड़ती है, और कई बार कस्टमर को जब उसने फ्री होम डिलीवरी देनी है तो प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ता है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। अब जुड़ने की सारे कस्टमर कैश लेने वाले हों, सबके पास रिसोर्सेस हो, कुछ कस्टमर्स मंथली बेसिस पे भी लेते हैं तो उनको क्रेडिट सेल भी देनी पड़ती है, यानी कि एक फाइनेंस का काम भी करता है हमारा रिटेलर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। अब क्या होता है, कस्टमर के पास टाइम कम है, वो अलग अलग दुकानों पे जाए, अलग अलग वैरायटी देखे, तो रिटेलर क्या करता है सॉरी अपने पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखता है, यानी कि वो कस्टमर के आने पर उसको सारे प्रोडक्ट दिखा देता है, तो उनका टाइम बचाते हुए उनको अच्छी वैरायटी दिखा के उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देता है। तो इस तरह से टाइम यूटिलिटी, टाइम सेविंग वो कस्टमर का फंक्शन भी हमारा रिटेलर करता है। तो इस क्लास में हमने समझ लिया है कि होलसेलर क्या क्या काम करता है और रिटेलर क्या क्या काम करता है, इनके फंक्शंस ही इनके डिफरेंशिएशन को भी बना देते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, तो इसी में से निकल आएगा। ओके, बाकी फंक्शंस को क्लियरली समझ लेंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लेंगे, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।